जिला मुख्यालय धर्मशाला के इंद्रुनाग पैराग्लाइडिंग साइट में आज से पैराग्लाइडिंग गतिविधियां शुरू हो गई। पैराग्लाइडिंग शुरू होने पर पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार का आभार जताया है। पैराग्लाइडिंग गतिविधियां शुरू करने को लेकर पर्यटन विभाग की ओर से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया गया है। सभी पैराग्लाइडर पायलट को दिशा निर्देश जारी करते हुए एसओपी की अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा गया है, जिसके तहत पैराग्लाइडर पायलट और पर्यटक द्वारा मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, इसके अतिरिक्त लैंडिंग उपरांत पैराग्लाइडर पायलट और साथ उड़ान भरने वाले पर्यटक की सीट को सैनिटाइज करना प्रमुख है। आज से शुरू हुई पैराग्लाइडिंग की सूचना मिलते ही काफी संख्या में बाहरी राज्यों से पर्यटक पैराग्लाइडिंग के लिए धर्मशाला पहुंचे थे। राजस्थान, पंजाब, दिल्ली सहित अन्य राज्यों के पर्यटक जो कि साहसिक गतिविधियों का शौक रखते हैं, इंद्रुनाग पैराग्लाइडिंग साइट पर पैराग्लाइडिंग के रोमांच से रूबरू होने पहुंचे थे। हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर खोल दिए गए हैं। किसी भी तरह के पास, रजिस्ट्रेशन या कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। उसी के चलते अब निश्चिंत होकर हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। पर्यटकों ने बताया कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से भरपूर है। इसी के चलते हिमाचल के पर्यटक स्थलों के भ्रमण और पैराग्लाइडिंग साइट पर पैराग्लाइडिंग के लिए आज धर्मशाला पहुंचे हैं। उधर पैराग्लाइडिंग करवाने वाले पायलट्स का कहना था कि काफी समय से घर बैठे थे, अब साहसिक गतिविधियां खुलने की अनुमति और बॉर्डर्स खुलने से उन्हें भी कमाई की आस जगी है। बाहर से पर्यटक आएंगे तो उन्हें भी काम धंधा मिलेगा। लंबे समय बाद शुरू हुई साहसिक गतिविधियों के लिए पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने सरकार से इंद्रुनाग पैराग्लाइडिंग साइट को विकसित करने का आग्रह भी किया। नमस्कार, मेरा नाम अनिल है और मैं पिछले 10 साल से फ्लाई कर रहा हूँ और पिछले लास्ट 6 महीनों से कोविड के चलते ये पैराग्लाइडिंग बंद थी, तो हम सभी फ्री थे। अभी खुशी है और धन्यवाद करना चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट का कि उन्होंने वापस ये बॉर्डर्स खोल दिए हैं और हमारी पैराग्लाइडिंग भी ओपन हो गई है। से हम सब लोग, जितने भी लोग बैठे थे, उनको सबको रोज़गार मिला है, दोबारा से रोज़गार खुला है, लोग आना शुरू हो गए हैं, पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है, काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह की गाइडलाइंस आपको दी गई हैं, क्या कुछ सावधानियां कोविड के चलते? हमें डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से जो एसओपीज दी गई हैं उसमें ऐसा है कि जैसे कोई कस्टमर आता है तो उसका सबसे पहले टेम्परेचर चेक करना है, फिर उसको सैनिटाइज वगैरह करके, जो उसके साथ पायलट जाएगा वो पूरा ग्लव्स पहन के, मास्क पहन के और जाएगा, और जब लैंड करते हैं उसके बाद जो हमारा इक्विपमेंट है उसको हम लैंडिंग में ही पूरा जो इक्विपमेंट है, ग्लव्स है या हमारे कैमराज है और जो भी गियर हम इसमें फ्लाइंग में यूज़ करते हैं उसको सैनिटाइज किया जाएगा और फिर दोबारा उसको नेक्स्ट, जैसे अब नेक्स्ट फ्लाई के लिए फिर उसको रेडी किया जाएगा। खुशी है, आप देख ही रहे हैं, सबके लोगों के चेहरे पर मुस्कान है, बिछा रहे हैं ग्लाइडर, मौसम का आनंद ले रहे हैं, फ्लाइंग के मज़े लेने आए हैं लोग, कस्टमर भी आए हैं, ये भी बहुत खुश हैं कि दोबारा से शुरू हो गई। हमें तो फ़ोन ही आते रहते थे कि कब से फ्लाइंग खुलेगी, कब बॉर्डर खुलेंगे, कब वो अपने वहाँ से यहाँ धर्मशाला या हिमाचल घूमने आएंगे और पैराग्लाइडिंग का लुत्फ़ उठाएंगे, तो सब लोगों में खुशी है। मेरा नाम प्रदीप है और मैं यहाँ से कम 7 साल से पैराग्लाइडिंग कर रहा हूँ। इंद्रुनाग जो धर्मशाला एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब है, इसके अंतर्गत हम काम करते हैं और भी जैसे एक्टिविटीज़ है, जिप लाइन भी करवाते हैं और ट्रैकिंग वगैरह के सभी काम करते हैं। इतने दिनों से कोविड के चलते जो काम बंद था, अभी जो हमारी भारत हिमाचल सरकार ने जो अभी इसको जो इसकी गतिविधियों को इजाज़त दी है शुरू करने की, उससे हम हमारे जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, दुकानदार हैं, सभी के लिए ये एक मौका होगा काम करने का दोबारा से, क्योंकि 8 महीने से बिल्कुल कोई काम नहीं था, क्योंकि जो हिमाचल कि जितनी भी जगह है वो डिपेंड करती है टूरिज्म पे और ये पूरा बंद होने के कारण सभी की आजीविकाओं पे भी असर पड़ा है और काफ़ी जो माली हालत है वो ख़राब हुई है, लेकिन अब हमें उम्मीद है कि सभी के लिए अच्छा ही होगा जो भी काम शुरू किया है। तो देखिए, पैराग्लाइडिंग हर साल जो है 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक जो है, जो मानसून का जो सीज़न होता है उसमें बंद रहती है, इसी प्रकार इस बार भी 2 महीने ये बंद रही थी और अब जो है सभी पैराग्लाइडिंग एसोसिएशंस को पैराग्लाइडिंग को दोबारा से चालू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। परंतु क्योंकि कोविड के का समय है और हमें अपने बचाव भी करना है और जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको इंश्योर करना है कि उनका भी बचाव रहे और उनको भी हम सेफ तरीके से फ्लाई करवाएं, उसके लिए कुछ एसओपीज जो है वो विभाग द्वारा जो है जारी किए गए हैं, जिसकी कॉपीज इनको सर्कुलेट भी की गई है और मैंने पर्सनली भी सबसे बात की है इन एसोसिएशन के मेंबर्स से।
इसमें अलग अलग तरह के SOPs हैं, जिसमें कि जो पायलट्स हैं उनके वो हर वक्त जो है वो मास्क, ग्लव्स और हो सके तो फेस शील्ड्स मिनिमम इस्तेमाल करके ही फ्लाई कराएंगे। उन सब के टेम्परेचर्स जो हैं वो चेक किए जाएंगे, फ्लाइट लेने वाले के भी, फ्लाई कराने वाले के भी और टूरिस्ट के भी जो फ्लाई करना चाहता है। इसके अतिरिक्त हर फ्लाइट के बाद जो इक्विपमेंट है, फ्लाइंग इक्विपमेंट है, उसको प्रॉपरली जो है वो सैनिटाइज किया जाएगा। आरोग्य सेतु ऐप जो है वो डाउनलोडेड होनी ही चाहिए उनके मोबाइल्स में जो टूरिस्ट होंगे। और इसके अतिरिक्त इस तरह के और छोटे छोटे कई इस तरह के SOPs हैं जो इनको बताए गए हैं पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन वालों को, ताकि ये जो फ्लाइंग है ये सेफ तरीके से करवाई जा सके। इस वक्त दो ही हमारी प्रमुख साइट्स हैं, एक हमारी धर्मशाला इंद्रुनाग वाली साइट है और दूसरी साइट हमारी कांगड़ा बीड़ बिलिंग साइट है, जो कि इस वक्त जहाँ पर पैराग्लाइडिंग करवाई जा रही है। अगर दोनों क्षेत्रों की बात करूँ, और हमारी कुल मिला के 3 एसोसिएशंस हैं, तो कुल मिला के तकरीबन 200 के करीब हमारे पायलट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं पैराग्लाइडिंग की फ्लाइट्स करवाने के लिए।